हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि उस वीडियो को एक ही हफ्ते में 12,000 से अधिक लोगों ने देखा। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी किसी जंगली जानवर के शिकार से संबंधित नहीं है। ये कहानी उत्तराखंड के जंगलों में घटित हुई थी और ये एकदम सच्ची कहानी। इस कहानी के लेखक है जॉर्ज नोल्स। इस चैनल पर जॉर्ज नोल्स की ये पहली कहानी है। जॉर्ज को जंगलों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनका एक बहुत घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम जैक्स था। जॉर्ज अपने इसी दोस्त के साथ अक्सर जंगलों में कैंपिंग करने जाते थे। घने जंगलों के बीच में अपना कैंप लगाकर कई दिनों तक जंगलों में रहा करते थे। उनके पास अपनी खुद की 3 राइफलें भी थी। उन्हें शिकार करने का भी काफ़ी शौक था। ये सच्ची कहानी सन 1890 के करीब घटित हुई थी। जॉर्ज का मूल निवास स्थान यूरोप का कोई देश था। उस समय भारत पर अंग्रेजी शासन हुआ करता था। 1857 की पहली क्रांति बीत चुकी थी और अब अंग्रेजी शासन पूर्ण रूप से भारतीयों को पुलिस के दम पर दबाकर रखना चाहता था। उस समय उत्तराखंड के हिमालय के पहाड़ियों में एक अंग्रेज अधिकारी रहा करता था जो जॉर्ज का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। 1890 की ठंडी में उसने जॉर्ज को कैंपिंग करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में आने का न्योता दिया। जॉर्ज को उनके दोस्त का ये इन्विटेशन एक पत्र के माध्यम से मिला। उस समय जॉर्ज यूरोप में थे। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग हिमालय क्षेत्र के घने जंगलों में जाकर कैंपिंग करेंगे और शिकार पर जाएंगे। उस समय हिमालय क्षेत्र में इंसानों की आबादी ना के बराबर थी। पूरे पहाड़ घने जंगलों से भरे पड़े थे। जैसा कि अंग्रेजों की आदत थी कि वो भारत की अच्छी चीज़ों को अपने देश ले जाते थे, उनकी नज़र अब हिमालय के पहाड़ों में स्थित देवदार और साल के घने जंगलों पर थी। उस समय यातायात का मुख्य साधन बड़े बड़े पानी के जहाज हुआ करते थे। ये जहाज पूर्ण रूप से लकड़ियों के बनाए जाते थे, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने हिमालय क्षेत्र के पेड़ों को काटकर देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाना शुरू कर दिया, ताकि भारत के बंदरगाहों पर बड़े बड़े लकड़ी के जहाज बनाए जा सकें और अधिक से अधिक कच्चा माल वो अपने देश इंग्लैंड ले जा सकें। उस समय इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि इन पेड़ों को आसानी से लादकर ले जाया जा सके, ना ही उस समय पक्के रास्ते होते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में रेलगाड़ियां चलवाई। रेलगाड़ियों का मुख्य काम होता था कच्चे माल को ढोना। पहाड़ों में ऊंचाई तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती थी, इसलिए वर्तमान के उत्तराखंड राज्य के काठगोदाम और टनकपुर नामक जगह तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पहाड़ों से लकड़ियों को काटकर इन दोनों रेलवे स्टेशनों तक लाया जाता था और फिर रेलगाड़ी के माध्यम से इन लकड़ियों को देश विदेश भी भेजा जाता था। हल्द्वानी के पास 7 किलोमीटर दूर लकड़ियों को एक बहुत बड़े गोदाम में रखा जाता था, इसलिए उस जगह का नाम ही काठगोदाम रख दिया गया था। दिसंबर के महीने में जॉर्ज और जैक अपने अंग्रेज दोस्त के इनविटेशन पर हिमालय में कैंपिंग करने के लिए आ गए। यहाँ आकर वो टनकपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। उन्हें जिस जगह पर अपने अंग्रेज दोस्त के साथ कैंपिंग करनी थी, वो जगह वहाँ से 2 दिन की दूरी पर थी। उनके दोस्त ने जॉर्ज के स्वागत के लिए अपने 2 नौकर, जिनका नाम गफूर और अली था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर पहले ही भेज दिया था। उसके साथ ही एक महावत और एक हथनी उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। साथ ही उनका सामान ढोने के लिए बहुत सारी बैलगाड़ियाँ भी रेलवे स्टेशन पर पहले से ही मौजूद थी। इन लोगों के साथ जंगल के चौकीदार को भी जॉर्ज के स्वागत के लिए भेजा गया था। दरअसल उस समय जॉर्ज को अपने साथ अपने कपड़ों के साथ साथ अनाज और कैंपिंग का बहुत सारा सामान ले जाना था, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ की गई थी। पहाड़ों में सामग्रियां जुटाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।
इसलिए ये लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। पहले के अंग्रेज लोग जब किसी यात्रा पर निकलते थे तब वो पूरे ठाट बाट के साथ निकलते थे ताकि दूर से देखने वाले आदमी ये समझ सकें कि कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी वहाँ से गुजर रहा है। जॉर्ज के स्वागत में जो हथनी वहाँ आई थी उसका नाम प्यारी था। ये हथनी अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इस हथनी को जल्दी ही पालतू बनाया गया था। जॉर्ज जब रेलवे स्टेशन से बाहर आए तब उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन के बाहर सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ पर भगवान शिव की कुछ मूर्तियां रखी हुई थी और स्टेशन मास्टर अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पर पूजा अर्चना कर रहा था। जॉर्ज कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गए और जब स्टेशन मास्टर ने पूजा कर ली तब उस स्टेशन मास्टर ने जॉर्ज को अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने बताया कि उसे पहले से ही पता था कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं और वो जॉर्ज के स्वागत के लिए बड़ा उत्सुक था। वो दिन में दो बार भगवान शिव की पूजा करता है ताकि उसके रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को जंगली जानवर या डाकू नुकसान न पहुँचाए। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन में से जॉर्ज का सारा सामान नीचे उतरवाया और उन्हें बैलगाड़ियों पर लोड करवाने लगा। इन सामानों में जॉर्ज और जैक के कपड़े, खाने पीने का राशन, कुछ सिगरेट्स, राइफल और भी बहुत सारा सामान था। जब वो लोग इन सामानों को बैलगाड़ियों पर लोड कर रहे थे तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने अपने सर पर एक पगड़ी बांधी हुई थी और उसके कमर में एक कपड़ा लपेटा हुआ था। उसके कमर में एक तलवार भी लटक रही थी। इस आदमी का नाम खान मोहम्मद था। खान मोहम्मद जॉर्ज के पास गया और उसने जॉर्ज को झुककर सलाम किया। उसने जॉर्ज को बताया कि वो यहाँ पर एक लोकल ठेकेदार है जो जंगल से लकड़ी कटवाने का काम किया करता है और उसे यहाँ के सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स जानते हैं। उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। आप लोग यहाँ पर नए हैं इसलिए आप लोगों के स्वागत और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ आपकी सुरक्षा के लिए साथ चलूँ। पहले तो जॉर्ज ने खान मोहम्मद को साफ मना कर दिया लेकिन तभी खान मोहम्मद जॉर्ज को किनारे पर ले गया और उसने धीमी आवाज़ में कहा कि साहब, आप नहीं जानते हैं, कुछ ही दिन पहले इन्हीं जंगलों में एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी और पुलिस अभी तक उन डकैतों को नहीं पकड़ पाई है। आप जिस रास्ते पर आगे जा रहे हैं वो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए मुझे अपने साथ चलने दीजिए। ये देखिए, मेरे पास मेरी पसंदीदा तलवार है जिससे मैं डाकुओं का सफाया कर दूंगा। वैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से डाकू दूर रहते हैं। मेरे पास मेरी एक राइफल भी है। उसकी ये बात सुनकर जॉर्ज को भी लगा कि हाँ, उन्हें इस आदमी को अपने साथ दे जाना चाहिए। जॉर्ज यहाँ पर नए थे और उन्हें ना तो यहाँ के रास्तों के बारे में ज़्यादा ज्ञान था ना ही यहाँ के लोगों के बारे में, इसलिए खान मोहम्मद के रहने से उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। यही सोचकर उन्होंने अपने दोस्त जैक से कह दिया कि ये खान मोहम्मद भी हमारे साथ ही कैंपिंग साइट तक जाएगा। जब जॉर्ज और जैक का सारा सामान बैलगाड़ियों पर लोड हो गया तब जॉर्ज हथनी पर जाकर बैठ गए। अभी जैक हथनी पर बैठ भी नहीं पाया था तभी स्टेशन मास्टर ने जल्दबाजी कर दी। उसने हथनी के सामने एक लाल झंडा फहरा दिया जिसे देखकर हथनी जोर जोर से चिंगाड़े मारने लगी और वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। जैक जो पीछे की तरफ से हथनी पर बैठने ही वाला था, जॉर्ज ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया, नहीं तो जैक को पीछे गिरकर चोट जरूर लगी होती। उसके बाद ये हथनी स्टेशन परिसर में ही अनियंत्रित होकर घूमने लगी। खान मोहम्मद दूर से ही ये सब देख रहा था। उसने हथनी को रोकने के लिए दो चार बार आवाज़ लगाई और अपने कमर में लटकी तलवार के मियान को उसने अपने हाथों से थपथपाया। खान मोहम्मद की यह हरकत देखकर हथनी और चिढ़ गई और वो उन तीनों को लेकर स्टेशन से दूर भागने लगी। इस समय हथनी के ऊपर तीन आदमी बैठे थे, जॉर्ज, जैक
और हथनी का महावत। महावत अपनी हथनी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हथनी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। हथनी ने वहाँ पर एकदम बवाल मचा दिया था। इस तरह हथनी को पगलाता देख बैलगाड़ी में बांधे गए बैल भी बैलगाड़ियों को लेकर इधर उधर भागने लगे। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। तभी हथनी जंगल की तरफ भागने लगी। स्टेशन और जंगल के बीच में एक नदी बह रही थी। जॉर्ज ने जैक से कहा कि यह हथनी जैसे ही जंगल में जाने के लिए नदी को पार करने के लिए नदी के पानी में घुसेगी, हम दोनों पानी में कूद जाएंगे ताकि हमें चोटें कम आए। लेकिन हथनी भी शायद उनका ये प्लान जान चुकी थी। हथनी नदी के किनारे पर जाकर ही रुक गई और उसने अपनी पीठ को जोर से हिलाया, जिसके कारण हथनी की पीठ पर बांधा गया हौदा पूरी तरह से हिल गया और जॉर्ज और जैक जमीन पर गिर पड़े। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर मुलायम रेत थी, जिसके कारण उन दोनों को कोई चोट नहीं लगी। उसके बाद हथनी महावत को लेकर नदी में उतर गई। जॉर्ज और जैक खड़े होकर हथनी को जंगल की तरफ जाता हुआ देख रहे थे। ये दोनों फिर से रेलवे स्टेशन के पास आ गए। स्टेशन मास्टर इस घटना का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि उसने ही हथनी के सामने लाल झंडा दिखाया था। खान मोहम्मद, जो बहुत बहादुर बन रहा था, वो पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा था। जॉर्ज बिना हथनी के आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वो लोग हथनी के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि हाथी कुछ देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं और जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तब वो फिर से सामान्य हो जाते हैं। लगभग एक डेढ़ घंटे बाद वो महावत हथनी के साथ स्टेशन पर वापस आ गया। उसने ज़ोर से कहा कि वो लोग फिर से हाथी पर चढ़कर बैठे, अब मेरी हथनी शांत हो गई है। लेकिन जॉर्ज ने कहा कि पिछली बार तो हम लोग हाथी की पीठ से गिरकर बच गए थे, लेकिन इस बार क्या गारंटी है कि तुम्हारी हथनी हमें नीचे नहीं गिराएगी। महावत ने कहा कि साहब, आप लोग मेरी हथनी को नहीं जानते हैं, इसे मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। ये बहुत समझदार हथनी है, ये कभी भी बिना वजह के ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। इसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि मेरी हथनी को किसी बुरी चीज़ के घटित होने का आभास पहले से ही हो गया था, इसलिए वो इतना अशांत हो गई थी। ऊपर से इस खान मोहम्मद के वजह से मेरी हथनी और चिढ़ गई, नहीं तो वो कब का शांत हो चुकी होती। खैर, महावत ने हथनी को ज़मीन पर बैठाया और फिर से पीछे की तरफ से जॉर्ज और जैक हथनी पर चढ़कर बैठ गए। उसके बाद ये लोग अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गए। जॉर्ज ने जैक से हंसते हुए कहा कि स्टेशन मास्टर द्वारा हम लोगों को कितनी बढ़िया विदाई दी गई है। ये लोग अभी भी अपनी कैंपिंग साइट से 15 मील की दूरी पर थे। जब ये लोग स्टेशन से एक आध मील आगे आ गए थे तब इन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उनके पीछे से आई थी। इन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो खान मोहम्मद, जो एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था, उसने हिरन के एक झुंड पर गोली चलाई थी। हालांकि उसके द्वारा चलाई गई गोली किसी भी हिरन को नहीं लगी थी, लेकिन वो हिरन वहां से भाग चले थे। गोली की आवाज़ सुनकर महावत ने अपनी हथनी को वहीं पर रोक लिया और वो पीछे आ रही बैलगाड़ियों के पास आने का इंतज़ार करने लगा, जिस पर खान मोहम्मद बैठा हुआ था। जैसे ही वो बैलगाड़ी हाथी के पास आई तब वो महावत अपनी हथनी से नीचे उतरा और वो गुस्से में खान मोहम्मद के पास गया। उसने खान मोहम्मद से कहा कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से मेरी हथनी फिर से गुस्सा हो जाए, तुमको क्या ज़रूरत थी हिरनों के झुंड पर गोली चलाने की। जवाब में खान मोहम्मद ने कहा कि वो अपना निशाना आजमा रहा था। महावत ने फिर से कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा निशानेबाज समझ रहे हो, इतने बड़े झुंड में से तुम्हारी गोली एक भी हिरन को नहीं लगी, तुम कितने बड़े शिकारी हो मैं समझ रहा हूँ। मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम आगे का पूरा रास्ता शांति से तय करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी हथनी के पैरों के नीचे कुचल दूंगा। खान मोहम्मद ने कहा
कि इससे पहले कि तुम अपनी हथनी को मेरे ऊपर चढ़ाओ, मैं उससे पहले ही अपनी राइफल की गोली से तुम्हें और तुम्हारी हथनी को यहीं पर मार डालूंगा। इन दोनों के बीच में खूब गर्मा गर्मी हुई। जॉर्ज ने जोर से इन दोनों को डांटा और कहा कि तुम्हें एक दूसरे के साथ जो भी करना है तुम लोग कैंपिंग साइट में जाकर कर सकते हो, अभी के लिए तुम लोग आगे चलो। महावत फिर से हथनी पर आकर बैठ गया और ये लोग आगे बढ़ गए। इनके पहले दिन का पड़ाव स्टेशन से 8 मील की दूरी पर, और इस पड़ाव पर रुकने के बाद दूसरे दिन की यात्रा करने पर ये लोग जॉर्ज के दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। उस घटना के बाद उस दिन का आगे का रास्ता इन्होंने बहुत शांति से तय किया, और जब ये उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें पहले दिन का पड़ाव डालना था, तब शाम के 4 बज चुके थे। यहां पहुंचकर इन लोगों ने तंबू लगाने का काम शुरू किया। कुछ लोगों ने खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जुटानी शुरू की, तो कुछ लोग टेंट लगाने के लिए उस जगह को साफ करने लगे। इन लोगों के साथ जो गफूर और अली थे, उन लोगों ने जोर से आकर पूछा कि वो लोग आज रात का खाना जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि रात में खान मोहम्मद हम लोगों को दावत देना चाह रहा है, क्योंकि उसके द्वारा हिरण पर चलाई गई गोली की हरकत की वजह से वो शर्मिंदा है। हालांकि उसने जॉर्ज और जैक को भी अपनी दावत में आमंत्रित किया था, लेकिन जॉर्ज बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने गफूर से कहा कि वो सिर्फ 2 लोगों का खाना जल्दी बनाते और तुम लोग बाद में दावत मनाते रहना। उसी देर में गफूर ने जॉर्ज और जैक के लिए खाना तैयार कर दिया। खाना बनते बनते अंधेरा हो चुका था। जॉर्ज और जैक ने एक साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद ये दोनों सोने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। इन दोनों के टेंट अगल बगल ही लगे थे। थोड़ी देर में जैक को नींद आ गई और वो नींद में खर्राटे भरने लगा। वो बहुत तेज तेज आवाज़ में खर्राटे भर रहा था, इसलिए जॉर्ज को उसके कारण दिक्कत हो रही थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी मोहम्मद खान उनके टेंट में पहुंचा और उसने जॉर्ज को गुड नाइट कहने के साथ साथ ये भी कहा कि वो लोग रात में दावत करेंगे, लेकिन वो कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। वैसे तो मेरा बड़ा मन था कि आप लोग भी मेरी इस दावत में शामिल हो, लेकिन आपने तो खाना खा लिया है, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाएं। हालांकि इस जगह पर बहुत सारे जंगली जानवर और डाकू हैं, लेकिन मेरे रहते यहाँ पर एक भी जंगली जानवर और डाकू नहीं आएगा, और अगर गलती से यहाँ पर कोई आ भी गया तो मैंने कल ही अपनी इस तलवार में धार लगवाई है। इस तलवार से मैंने कई सारे जानवरों और डाकुओं को सबक सिखाया है। यहाँ के जितने भी डाकू हैं वो सभी मुझसे डरते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाएं। हम लोग कल सुबह मिलेंगे। जब खान मोहम्मद वहाँ से चला गया, तब जॉर्ज भी सोच में पड़ गए कि ये खान मोहम्मद कितना अच्छा आदमी है, जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ यहाँ तक आया है। ऊपर से वो उनके आदमियों को मुफ्त में दावत भी दे रहा है। यही सब सोचते सोचते जॉर्ज को भी नींद आ गई। उन्हें बहुत गहरी नींद आई थी। रात में 1:30 बजे के करीब जॉर्ज की नींद खुली तो उन्होंने सुना कि वो प्यारी नाम की हथनी बहुत ज़ोर से चिंगाड़े मार रही थी, और वो जिस जंजीर से बांधी गई थी वो उस लोहे की जंजीर को बार बार पटक रही थी। दिन भर का थका होने के कारण जॉर्ज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर बाहर जाकर देखें कि वो हथनी क्यों बोल रही है। वो चुपचाप बिस्तर पर ही लेटे रहे और थोड़ी देर में उन्हें फिर से नींद आ गई। अगली सुबह जब उजाला हो गया तब उनकी आँख खुली। उठते ही वो अपने टेंट से बाहर आए। उन्होंने टेंट से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई हलचल नहीं थी। उनके सभी नौकर ऐसा लग रहा था अभी भी सोए हुए थे। वो अपने टेंट से बाहर निकले और जैक के टेंट में जाकर उन्होंने जैक को उठाया और उन्होंने कहा कि लगता है हमारे नौकर अभी तक सोए हैं, जबकि हर रोज़ ये लोग हमसे पहले उठ जाते हैं और ये लोग हमें आकर उठाते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये लोग खुद ही अभी तक सोए हैं। लगता है इन लोगों ने पिछली रात बहुत देर तक दावत उड़ाई थी।
जैक ने जोर से कहा कि चलो देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जब बाहर निकल रहे थे तभी जॉर्ज ने एक बात नोटिस की कि जैक के टेंट में उसका सामान नहीं था, जबकि पिछली शाम जैक का सारा सामान उसके ही टेंट में रखवाया गया था। उन्होंने जैक से पूछा कि तुम्हारा सामान कहाँ है। जैक ने कहा, पिछली रात जब मैं सोया था तब तो मेरा सारा सामान यहीं पर था, मेरा सारा सामान कहाँ गया। टेंट में जैक की चारपाई के अलावा सारा सामान गायब। जैक ने जॉर्ज से पूछा कि तुम्हारे टेंट में तुम्हारा सामान है। जॉर्ज ने कहा कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं उठते ही तुम्हारे पास आ गया था। ये लोग फिर जॉर्ज के टेंट में आए। जॉर्ज के टेंट में से भी उनके सारे सूटकेस और हैंडबैग गायब थे। ये दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर इनका इतना सारा सामान गया कहाँ। इसका सही जवाब तो उनके आदमी ही दे सकते हैं, इसलिए ये दोनों लोग अपने आदमियों को ढूंढने के लिए टेंट से बाहर आ गए। तब इन्होंने देखा कि पिछली रात जहाँ पर खुले में आग जलाकर दावत का खाना बनाया जा रहा था, उसी जगह पर उनके आदमी बेसुध लेटे पड़े थे। इन लोगों के कई बार बुलाने पर भी उनके आदमी नहीं उठे। वो लोग समझ गए कि उनके आदमी बेहोश हो गए हैं। जॉर्ज ने जैक से पानी मंगवाया और सबके मुंह पर पानी मारा, लेकिन सबसे पहले होश उस महावत को आया। जब वो पूरी तरह से होश में आ गया तब जॉर्ज ने उस महावत से पूछा कि तुम लोगों को क्या हो गया था और हम लोगों का सारा सामान कहाँ गया। उस महावत ने कहा कि साहब, सारा सामान तो यहीं पर था, सामान कहीं नहीं गया है, सामान यहीं पर है। जॉर्ज ने कहा कि अरे भाई, किसी भी टेंट में कपड़ों के अलावा कोई भी सामान नहीं है। ये सुनकर महावत ने अपना सिर पकड़ लिया और उसने कहा कि साहब, अब मैं समझ गया कि उस खान मोहम्मद ने दावत के बहाने हम लोगों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, और उसके बाद जब हम सब लोग बेहोश हो गए तब वो हमारा सामान लेकर चला गया। जॉर्ज ने भी ये नोटिस किया कि वहाँ पर सभी आदमी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ खान मोहम्मद वहाँ से गायब था। खान मोहम्मद, जिसने खुद को उस जगह का बहुत बड़ा लकड़ी का ठेकेदार बताया था, वास्तव में वो लकड़ी का ठेकेदार नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार था। वो जानबूझकर एक बड़ा आदमी बनकर जॉर्ज के सामने आया था ताकि उस पर कोई शक न करे। महावत ने कहा कि साहब, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि क्यों मेरी हथनी रेलवे स्टेशन पर नाराज़ हो गई थी। वो खान मोहम्मद को देखकर ही नाराज़ हो गई थी। मेरी हथनी का सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसे किसी भी बुरी घटना का आभास पहले ही हो जाता है। वो हम सबको सचेत कर रही थी, लेकिन हम उसके इशारे को समझ नहीं पाए थे। ये हम लोगों की गलती है। रात में जब खान मोहम्मद इन सभी लोगों को बेहोश करके अपने साथियों के साथ इनका सामान लूट रहा था, तब उस हथनी ने जोर जोर से आवाज़ निकाल कर सभी लोगों को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी लोग बेहोश थे। हथनी की आवाज़ सुनकर जॉर्ज की नींद खुली थी, लेकिन वो फिर से सो गए थे। वास्तव में हथनी बहुत समझदार थी। धीरे धीरे बाकी के आदमियों को भी होश आने लगा। जॉर्ज ने जंगल के चौकीदार से पूछा कि तुम तो जंगल के चौकीदार हो, फिर भी तुम्हें ये पता नहीं चला कि ये आदमी लकड़ी का ठेकेदार नहीं है। जंगल के चौकीदार ने कहा कि साहब, मैं तो यहाँ पर कुछ महीने पहले ही आया हूँ। मेरी यहाँ पर नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए मैं यहाँ के सभी ठेकेदारों को नहीं जानता हूँ। जब रेलवे स्टेशन पर ये ठेकेदार सीधे आपके पास आकर बात करने गया था तो मुझे लगा कि यह आपका कोई परिचित है। मुझे क्या पता था कि यह आदमी डाकू निकलेगा। उस ग्रुप में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सिर्फ एक आदमी ने इन सभी लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ बना डाला था। खाने पीने का सारा राशन खान मोहम्मद अपने साथियों के साथ वहाँ से ले जा चुका था। अब इन लोगों के पास नाश्ते के लिए भी राशन नहीं था, और अभी उन्हें जॉर्ज के दोस्त के वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा दिन चलना था। मजबूरी में इन लोगों को बिना कुछ खाए पिए आगे के लिए बढ़ना पड़ा, और शाम होते होते ये लोग उस जगह पर आखिर पहुँच ही गए जहाँ पर जॉर्ज के दोस्त ने कैंपिंग साइट लगाई थी। जॉर्ज ने अपने उस दोस्त को
पिछली रात की घटना बहुत हंसते हुए बताई। उन लोगों को इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें लूट लिया गया था, उन्हें इस बात पर हंसी आ रही थी कि सिर्फ एक आदमी ने इतनी होशियारी से इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़े प्यार से उनका सामान ले लिया था। जॉर्ज ने अपने दोस्त से कहा कि ऐसी लूट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जहाँ पर हमारा सारा सामान लूटा जा रहा था और हम लोगों को पता भी नहीं चला। जब पूरी घटना बीत गई तब हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लूट के शिकार बने हैं। ये कहते ही जैक, जॉर्ज और उनका दोस्त जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। इस वाक्य के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। इस कहानी का एक भाग जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि जिस समय अंग्रेज हमारे देश पर अपना शासन चला रहे थे, उस समय कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने का काम किया करते थे। वो सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेज़ों के आगे पीछे जी हुजूरी किया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार की पुलिस में भर्ती हो जाते थे और अपने ही भारतीय भाइयों पर गोली चलवाते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ आदमी ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों को लूटने से भी नहीं डरते थे। वाकई इन लोगों के अंदर कमाल की हिम्मत थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अब समय हो चला है अपने कुछ सब्सक्राइबर्स का नाम लेने का जिन्होंने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनके नाम हैं सनी चौहान, अमित कुमार, संजय सोनी, खुर्शीद रब्बानी बिहार से, अरुण पांडे, सुनंदा राजपूत, स्वप्न बनर्जी, सरिता यादव, संदीप राज, नंदलाल जैन, शीतल उमरानिया, कृष्णदेव हिमाचल प्रदेश से, सुभाष चंद साहू, सरदार साहब, राकेश सिंह, गौतम नारायण, मंसूरी इमरान जी, सैयद अहमद, बोन क्रसर, संजय मल्होत्रा, राजा भैया और जगदीश पुरोहित। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपका नाम भी लूं, वो लोग अपना नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, साथ ही वो अपने प्रदेश का नाम भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ताकि अगली वीडियो में मैं सबसे पहले उनका नाम ले सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।